to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an IFite. Fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFite. Yes, I am an IFite. Design your future. IFA. कल ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनपद में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको सही तरीके से लागू करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नगरीय और ग्रामीण इलाकों में टीमें बना करके और जितनी भी राजनीतिक जो होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स या वॉल पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई थी उनको तुरंत ही हटवाने का काम किया गया है। उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है और क्योंकि 24 घंटे के अंदर इसको सैनिटाइज करना रहता है तो अभी भी ये काम जो है पूरे जनपद में चल रहा है। और हमने आज सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जिले के जो पदाधिकारी हैं उनको भी आज आमंत्रित करके उनको आचार संहिता के उपबंधों से उनको अवगत कराया, उनकी जो जिज्ञासाएँ थी उनको भी शांत किया और उनसे भी हमने सहयोग की अपेक्षा की है कि आचार संहिता का पूरी तरीके से सही स्पिरिट में पालन हो, तभी जो है एक आदर्श स्थिति में चुनाव कराया जा सकता है। तो इनसे सभी से हमने सहयोग की अपेक्षा की, उन्होंने सहयोग का आश्वासन भी दिया है। पूरे जनपद में सकुशल चुनाव कराने के लिए जनपद को 25 जोन और 193 सेक्टर में बांट करके उसमें संबंधित मैजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट कर दी गई हैं। सेक्टर मैजिस्ट्रेट जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और दौरा करके और जो भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र हो सकते हैं क्रिटिकल या वल्नरेबल के कैटेगरी में उनकी जो है वो डिटेल्स ले करके और वो तय कर रहे हैं संबंधित मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स के साथ। हमारी जो EVM और VVPAT है, EVM में बहुत BU CU और VVPAT मशीन, ये हमारे पास पर्याप्त संख्या में है। उनकी FLC यानी कि फर्स्ट लेवल चेकिंग जो है वो हो चुकी है। चूंकि जनपद में पांचवें चरण और छठे चरण में यहाँ पे मतदान है तो हमारी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 10 अप्रैल से शुरू होती है और मतदान का तारीख जो है हमारा 6 मई को 4 विधानसभा जो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है उनका 6 मई को मतदान होना है और एक विधानसभा जो अम्बेडकर नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है उसका 12 मई को मतदान है। तो हमारे पास पर्याप्त समय भी है और हम इसमें समुचित तैयारी के साथ इसकी पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में हमारे 3 जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड्स लगे हैं, जिसमें कि मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति है, जिसमें पुलिस बल उपलब्ध है, उसमें वीडियोग्राफर है। ये आज ही से क्रियान्वित होकर के और प्रत्येक क्षेत्र में घूम करके वहाँ पे आचार संहिता को पालन कराने के लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी। कार्रवाई पुलिस सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत पूर्व से करती रही है और अवैध शस्त्रों की बरामदगी, अवैध असलाह की बरामदगी, अवैध कारतूसों की बरामदगी, अवैध शराब की बरामदगी में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 107-16 और 151 की कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर और जिला बदर की भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत हम लोगों ने 2019 में 1/1/19 से ये सूचना है, क्योंकि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार 2/1/19 से कार्रवाइयाँ की जा रही थी। अवैध शस्त्रों की बरामदगी हम लोग 45 कर चुके हैं, अवैध कारतूसों की बरामदगी भी हम लोग 51 कर चुके हैं, अवैध शराब हम लोग अभी तक 17,871 लीटर हम लोग बरामद कर चुके हैं, जिसमें कुछ हरियाणा की शराब भी है और यहाँ की कच्ची शराब है। अवैध शराब के बनाने वाली भट्टियों पर हम लोग कंटिन्यूअस दबिश दे रहे हैं। चालानी रिपोर्ट हम लोग अभी तक 3,751 लोगों के खिलाफ भेज चुके हैं और पाबंद कराने की कार्रवाई चल रही है इनकी। और ये लोग सभी लोग ऐसे लोग जो चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं या क्रिमिनल हिस्ट्री के हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जिले में लगभग 1100 रजिस्टर्स हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उनके सत्यापन करा रहे हैं कि वो लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं। 864 के खिलाफ हम लोग 107-16 की कार्रवाई कर चुके हैं, 76 रजिस्टर्स को हम लोग जेल भेज चुके हैं। हम लोग कंटिन्यूअस कार्रवाई कर रहे हैं, चूंकि कल से आचार संहिता लागू हो चुकी है उसके दृष्टिगत फ्लाइंग स्क्वाड और SST की टीमें भी कंटिन्यूअस काम कर रही है। थाना क्षेत्रों में 1-1 SST की टीम और फ्लाइंग स्क्वाड्स की 3-3 टीमें हर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी है और मजिस्ट्रेट गण भी है, वीडियोग्राफर भी है।
और आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन कराते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का लक्ष्य है और हम लोग स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी इलेक्शन कराना सुनिश्चित करेंगे। बाहुबल हो या धन बल हो, सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जहां पर भी एक छोटी सी शिकायत भी आएगी हम लोग FIR दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। जांच के उपरांत अगर शिकायत सही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी आदमी क्यों ना हो।